इस टाइम पे काफी लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं फिजिक्स में कि यार उनका कैसे 130-140 स्कोर आ जाए, क्योंकि वो सोचते हैं कि यार हम सब कुछ पढ़ लेंगे तो इससे मेरा स्कोर आ जाएगा, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। आप जितनी ज्यादा चीजें पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका स्कोर खराब होता जाएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट अपना वीक है अगर अपन उसको लिमिटेड नहीं करेंगे, पॉइंट से नहीं करेंगे और सारा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो सारा क्या रायता हो जाता है। तो आज की वीडियो में बताऊंगा आपको कि इन चैप्टर्स को पढ़ के आप आराम से 130-140 स्कोर कर सकते हैं लास्ट के 2 महीनों में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और एक सबसे बड़ा सरप्राइज भी मैं आपके लिए लेके आया हूं जो वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूं, तो उसको जरूर देख के जाना, आपके लिए 100% फायदेमंद होगा। तो यार देखो, अपन बात करेंगे 140 प्लस स्कोर 10 चैप्टर्स है फिजिक्स में, तो इन चैप्टर्स के नाम लिखना, कितने क्वेश्चंस हैं जो आते हैं इनसे और कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला चैप्टर है काइनेमेटिक्स, सेकंड है एनएलएम, उसके बाद है रोटेशन, ग्रेविटेशन होता है, हीट एंड थर्मोडायनामिक होता है, करंट, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न और सेमीकंडक्टर। कितने क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से 2 आएंगे, यहाँ से 2 आएंगे, यहाँ से 4, 2, 5, 3, 5, 5, 5, 3, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर नीट के एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आराम से आपके लगभग 35 क्वेश्चन है जो इन्हीं चैप्टर से आते हैं, तो आपका इजीली 130-140 प्लस चला जाएगा अगर आपने चैप्टर्स कर लिया तो। अब बताओ ये चैप्टर करने कैसे हैं, क्या मैं वन शॉट से करूँ या फिर मैं उम्मीद से करूँ या फिर डिटेल से करूँ? तो भाई मेरा जवाब है कि आप वन शॉट लेक्चर जो होते हैं 2-3 घंटे के, उनसे नहीं होगा ये, आपको डिटेल लेक्चर ही करना पड़ेगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, उम्मीद को भी कर सकते हैं, उम्मीद में बढ़िया कंटेंट है, मैंने देखा है, तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चैप्टर कर लेंगे आपका इजीली। भाई अगर मान लो कि आपका थोड़ा वीक है ज्यादा, तो 140 नहीं तो 120 तो आएगा, 100 तो आएगा, लेकिन आप करोगे तभी तो आएगा। अगर आप सोचेंगे 100 नंबर के लिए मेरे को बहुत सारे चैप्टर करना पड़ेगा, सारी फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, फिर तो भाई सारा रायता हो जाएगा। अगर आपके वही 50-60 नंबर आ रहे होंगे तो थोड़ा पॉइंटेड रहो, एक प्लानिंग के साथ में काम करो, तभी चीजें पॉसिबल हो पाएगी। तो ये वाला काम आपको करना है। अब इस वीडियो में जो सरप्राइज है वो है भैया कि मेरा जो विजन बैच है मेंटरशिप का, वो विजन 2 में लॉन्च कर रहा हूं। इसमें पता है आपकी जो कितनी भी प्रॉब्लम है, इन 2-2.5 महीनों में आपको कैसे 400 नंबर, 500 नंबर, 600 नंबर तक जाना है, आपको कैसे गाइड की जरूरत है, आपकी वीकनेस क्या है, आप किस पॉइंट पर लेक कर रहे हो, हर चीज का मैं पॉइंट आउट करूंगा, कैसे आपसे बात करूंगा, और सबसे बड़ी चीज क्या, मैं खुद ही आपसे बात करूंगा वीडियो कॉल से, व्हाट्सएप पे, कॉल पे, हमेशा अवेलेबल रहूंगा जब भी आप कॉल करेंगे, ठीक है। इसकी फीस पहले मेरे पास 2000 रुपए थी, इस बार फीस तो मेरी है 799 ही पीस मेरे पास में, लेकिन जो पहले 100 स्टूडेंट आएंगे मेरे पास में उनकी जो पीस है वो भाई 499 ही रहने वाली है। अगर आप जल्दी से एनरोल कर लेंगे तो आपको यही पीस लगेगी, वरना बाद में ये वाली पीस लगने वाली है। एनरोल कैसे करना है आपको कि ये वाली जो मेरी यूपीआई आईडी है, यहाँ मेरा नाम आ जाएगा, इस यूपीआई को सेलेक्ट करके आपको इस पे ये वाला पेमेंट 499 करना है। करने के बाद में आप इसका जो स्क्रीनशॉट आएगा उसको आपको इस पे नंबर पे सेंड कर देना है, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे आपको ये नंबर मिलेंगे, मिलते ही आप इस पे सेंड कर देना। सेंड करते से आप मेरे पास में आपका नंबर आ जाएगा, मैं आप मेरी कॉल आपके पास में आई, अपन बात करेंगे, आपकी काउंसलिंग करूंगा वीडियो कॉल करके कि आपकी क्या लेग हो रही, क्या प्रॉब्लम है, कहां पे दिक्कत आ रही, कैसे आपकी प्लानिंग होना चाहिए अगले 2-2.5 महीने, आप कैसे मेहनत करेंगे। तो हर दिन अपन कनेक्ट रहेंगे, बिल्कुल मेरे से बात होगी आपकी, मेरे पास में आपके पास में मेरा पर्सनल नंबर होगा, हमेशा अपनी बात होती रहेगी। तो इसको जल्दी से इनरोल कर लो यार, ठीक है। बहुत मिनिमम फीस है जो मैंने रखी है आप लिए, क्योंकि यार मैं ज्यादा बच्चों को नहीं लूंगा, बहुत लिमिटेड स्टूडेंट रहने वाले हैं, क्योंकि यार मेरे को पर्सनली आपसे बात करनी है, अकेले को खुद को मैं हमेशा आपके पास में अवेलेबल रहूंगा, तो मुझे यही करना पड़ेगा। तो जल्दी से इनरोल हो लो और ये चैप्टर को अच्छे से करो, ठीक है। तो ये वाला स्कोर आपका पॉसिबल हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, थैंक यू सो मच।